फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेहंदी आर्टिस्टिका नेहा। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एंगेजमेंट और ब्राइडल दोनों हिंदी टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपको नेम लिखकर जो है हम आजकल ब्राइडल मेहंदी बनाते हैं वो बनाना सिखाऊंगा। आप देख रहे हो जिस तरह से मैंने यहाँ पर पहले से ही नेहा जो है मेहंदी से लिखा हुआ था और उसके ऊपर से मैं सर्कल ड्रॉ करके अब रिवर्स स्टाइल में जो है ये पूरा मेहंदी तैयार करूंगी, इसका पूरा बैकग्राउंड जो है। फ्रेंड्स, आप तो जरूरी नहीं है कि जो नेम है ब्राइडल ग्रूम का आप अपर साइड पे एल्बो में ही लिखें, आप इस चीज़ को जो है अपने रिस्ट पे भी लिख सकते हो या फिर अपनी पाम पे भी लिख सकते हो। और इसी तरह से और ब्राइडल मेहंदी से रिलेटेड कुछ वीडियोस जो है मैं आप धीरे धीरे करके अपलोड करूँगी, और कुछ वीडियोस जिनका मैंने पहले से आप लोगों को बोला है कि मैं अपलोड करूँगी वो भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूँगी। और ये जो है मेरे 2019 की लास्ट क्रिएशन है, होप आप सभी को पसंद आएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और आगे आने वाले नए वीडियोस के लिए जो हमारा 2020 का जर्नी होगा वो कैसा होगा और उसको अगर आपको जानना है कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है 2020 में मिलने वाली है तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा का पूरा डिज़ाइन समझ में आएगा। और जिस जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इन चीज़ों की तो उनको बहुत अच्छे से जो है बनाना आ जाएगा, और आप ये डिज़ाइन जो है अपनी ब्राइड के भी यूज़ कर सकते हो या अपने कस्टमर के। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही यूज़ करो, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स में किसी के भी लगा सकते हो। तो प्रैक्टिस करोगे तो और भी ज़्यादा आपका वर्क इम्प्रूव होगा। और जो मैंने ये वर्क साइड में फ्लावर्स का यूज़ किया है तो आपको मैंने और भी कई तरह के रिवर्स स्टाइल में लोटस का भी बताया था, ठीक है, आपको रोज़ के भी बताए थे, तो आप उनका यूज़ करके इसको अलग कर सकते हो, लीफ का यूज़ कर सकते हो अलग, तो उस तरह से आपका ये जो है और भी खूबसूरत जो है डिज़ाइन बन जाएगा। और जो लोग प्रैक्टिस करके, और एक चीज़ और, ये जो मैंने सर्कल का यूज़ किया आप इसमें जो है अलग शेप्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और आप इनको जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मेरे को इंस्टाग्राम पे अपनी जो पोस्ट शेयर करें और मैं उनको जो है अपलोड करूँगी अपने इंस्टा पेज पर, और आपको आपका नाम भी मेंशन करूँगी। और प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए और इसी तरह से जो है आपके वर्क में इम्प्रूवमेंट होती रहेगी, और मुझे फॉलो करते रहिए, मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगी। बाय, टेक केयर।
Thank you.